अच्छा अच्छा बेटा, हाँ माँ जी, तबीयत कैसी है? दर्द दुर्द हो रहा है? जिस्म दर्द खत्म हो गया टीके नाल? दर्द ज्यादा है ना? अल्लाह करे पूरा आराम आ जाए ना, खा पी भी शुरू कर ना, खाना खाना भी। अल्लाह खैर कर सी, दर्दा दुर्दा तू आराम आ जावे ते खान लग जा ते फिर अल्लाह खैर कर सी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शादोबाद रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। तो अम्मा जी को आज फिर हमने ना एक टीका लगाया क्योंकि इनको दर्दें शुरू हो गई थी, क्योंकि उम्र के हिसाब से ऊपर से ठंड काफ़ी है तो दर्दें शुरू हो गई थी। अभी टीका शीका लगवाया है तो वही हाल शाल पूछ रहा था कि दर्दें शर्दों से आराम आया कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दर्दों से तो बेहतर है, लेकिन ठंड की वजह से ना ज़्यादा मसला बन रहा है। अगर धूप छूप हो तो फिर बंदा धूप सेक लेता है, तो मौसम ठीक हो जाए तो फिर तो ठीक है। उनकी वजह से कमज़ोरी भी ज़्यादा हो गई है, 1 महीना पूरा हो गया है, बुखार ने जान नहीं छोड़ी। अब बुखार तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अल्लाह ताला खैर करेगा। सूरज बिल्कुल ग़ुरूब हो गया, शाम का टाइम हो गया जी, परिंदे भी चहक चाक कर रहे हैं जी, आवाज़ें आ रही हैं। साढ़े बन रहे हैं आलू टींडे, आलू चावल ये बड़े हैं। वो अलग बनाने। अच्छा, आलू चावल बन रहे हैं और साथ टींडे भी का भी सालन, क्योंकि दो तीन लोग चावल नहीं खाते, उनकी अम्मा के लिए भी ठीक नहीं है ना। ये पड़े मसाला चावल, वो पर पल्ले नहीं लग गए। तंग की वजह तो आती है ना। इधर चारपाइयां रखी थी, धूप पे बच्चे पड़े हुए थे, इधर ऐशा पड़ी हुई थी, उधर अमार पड़ा हुआ था, तो ये कपड़े छपड़े इधर ही रख दिए उन्होंने। ये इकट्ठे कर लेते हैं, इसमें अंदर ले जाते हैं, चारपाई खड़ी कर देते हैं। लून ये टींडे हैं, टींडे बनेंगे इसके अंदर। लकड़ियां भी नहीं है, हम तो लकड़ियां खत्म हो गई हैं। ये
ਡਾਡੀ ਸੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਦੇਖੀ ਬਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ ਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਇੱਕ ਮਨ ਲੱਕੜੀ ਲੱਭਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਂ ਡਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਰੋਟੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਟਿੰਡੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ये चावलों को दम लगाया हुआ है चावल दम पे पड़े ये भी तैयार हो गए तकरीबन 10 मिनट तक खोलेंगे इतनी देर में हांडी भी बन जाएगी और आटा गूंदा हुआ पड़ा है फिर रोटी भी बन जाएगी साथ मसाले वगैरह पड़े हुए अम्मा भी कह रही थी अम्मा चावल नहीं अम्मा कह रही चावल कभी आए अम्मा तो ना देंदे अम्मा तो अगे जो है शाल पेर लग दी कढ़ाई तो पेर लग दी गन्ना कढ़ाई है ना उधर पेर लग गई थी थोड़ा जा खाना है बस करना इधर जी रोटी भी बन रही है रोटी भी बन गई हाँ रोटी बन सालन ही बन गया रोटी बन गई चावल ही बन गए मैं बोलता तब तक नहीं मैं ठंडे कर खाऊं कौन ये दोपहर का सालन चिकन का बचा हुआ था ये ऊपर डाल रहे हैं हम ये तकलीफ है कहीं जाते हाँ तो कमजोरी है ना थोड़ी बहुत बह तक इन्नी ना आप हाँ,